लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। डिडोरी के ग्राम खरगवारा रेयत विकासखंड महंदवानी निवासी शिक्षित बेरोजगार युवक लखन पिता भगत सिंह ध्रुवे ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत करते हुए बैंकों में सक्रिय दलालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता लखन का कहना है कि उसने स्वरोजगार योजना के तहत जिला व्यापार उद्योग केंद्र में ऋण के लिए आवेदन किया था। विभाग द्वारा ऋण प्रकरण यूनियन बैंक को भेज दिया गया था, लेकिन शाखा प्रबंधक के द्वारा प्रकरण को निरस्त कर दिया गया था। लोन पास कराने के लिए ही आदिवासी युवक विगत लगभग 2 साल से बैंक के चक्कर लगा रहा है। युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक में दलाल सक्रिय है जो लोन पास कराने के एवज में रुपयों की मांग करते हैं। युवक का कहना है कि जो व्यक्ति उनके संपर्क में आता है उसे ऋण स्वीकृत हो जाते हैं और जो उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता उसे भटकाया जाता है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। सर, मैं लोन ले रहा हूँ। कौन सी बैंक से? यूनियन बैंक सर। क्या समस्या आ रही है लोन ले रहे थे? लोन सर मांग रहे हैं हमको 1,10,000 रुपये मांग रहे हैं। क्यों सर? हमारे पास पैसे नहीं है तो पैसे कहाँ से दें हम? 1,00,000 रुपये मतलब क्या कमीशन मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? कमीशन मांग रहे हैं सर। कौन मांग रहे हैं? मैनेजर मांग रहे हैं। क्या नाम है मैनेजर का? मैनेजर का नाम नहीं पता सर। कितने बैंक? यूनियन बैंक सर का। कब से काम? दो साल हो गए सर चक्कर काटते। इसकी शिकायत कभी आपने की कहीं कलेक्टर या कहीं? आप अभी तो नहीं की है सर। कहीं शिकायत नहीं की आपने? अच्छा, पैसा नहीं दोगे तो मैं आपको लोन नहीं करूँगा ऐसा बोलता है जी? पैसा दे दोगे तो दे दूँगा जी। ये शिकायत निराधार है। कोई ऐसा हितग्राही आपके संज्ञान में या हमारे संज्ञान में आता है तो हमें सूचित करें। कोई किसी से कुछ नहीं मांग रहा है यहाँ पे, और आता है जो आपने अभी एक केस बताया है इसके हम पूर्ण जांच करेंगे और जो भी होगा उस हितग्राही को संतुष्ट करेंगे। सर, हितग्राही ने लिखित तौर पर कलेक्ट्रेट को शिकायत की है? हाँ, तो उसको बुलाकर आदि उसका अभी प्रकरण तो हमारे पास मैंने देखा नहीं है अभी तक, और देखकर जो भी प्रकरण का जो भी होगा समस्या उसका निराकरण करके उसको हितग्राही को आदि तो किसने मांगा है हम पूछेंगे क्या है नहीं है वो पूरा क्लियर करके आपको बता देंगे। सर, एक चीज और, अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सर्व प्रदेश।